या बाबुल हवाइज, हज़रत अब्बास अलमदार, आपसे क्या अर्ज़ करूँ, आप तो मेरे हालात से वाकिफ़ हैं। मैं हर साल मुहर्रम में एक मजलिस अज़ा बरपा कराता था। हाय अफसोस, इस साल मेरे हालात बहुत नासाजगार हैं। हद तो यह है कि बाज़ा बाज़ा दिन फाके से गुजार देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे भूखे न रह जाएं। लेकिन कोई गम नहीं, ये आज़ादारी, ये मजलिस व मातम मेरी बीवी ज़ैनब की सुन्नत है, और इस सुन्नत में परेशानियाँ बर्दाश्त करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। लेकिन मौला, ये बात मेरे दिल को खाए जा रही है, मैं इस बार आज़ादारी कैसे बर्पा करूँगा? मौला, मैं आज़ादारी ज़रूर बर्पा करूँगा, आप मदद फरमाइएगा। यूनुस जी भाई, वो करीम भाई की चाय भिजवा दी थी। हाँ, वो आज सुबह ही भिजवा दी थी मैंने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है मन्नान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। माशाल्लाह का शुक्र है। वैसे दुकान कैसे बंद है आपकी आज? बस क्या बताऊँ मन्नान भाई। अरे यूनुस, एक काम करो, अपनी भाभी जान के पास जाओ, उनसे कहो मेहमान आए, जरा चाय। अरे चाय को रहने दीजिए, कोई नहीं, अक्सर हमारी दुकान की पीते हैं, आप आज घर की पी लीजिए, कोई बात नहीं। बस क्या बताऊँ, आज मेरी तबीयत कुछ नासाज थी तो मैं दुकान बंद करके चला आया। अल्लाह शिफा आप करें। इलाहे आमीन यार, इलाहे आमीन। वैसे कैसे आना हुआ आज? अरे आप तो जानते ही हैं इजाज़ भाई, हर साल मुहर्रम की 6 तारीख को एक मजलिस करवाता हूँ मैं, और उसमें हर साल चाय आपकी दुकान से जाती है। जी बिल्कुल, तो इस साल भी चाय आप ही बना दीजिएगा। हाँ कोई मसला नहीं है, चाय साल देते हैं, इंशाल्लाह इस बार भी पहुँच जाएगी वही 350। जी जी जी, लेकिन एक जहमत है इजाज़ भाई कि इस बार जो पैसे हैं ना, मैं हाथ हाथ नहीं दूंगा। अच्छा, अय्याम अज़ा के ख़त्म होने के बाद दूंगा। मजलिस हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है ना? जी जी बिल्कुल, मौला है हमारे, आका है, सरदार है। बेशक, कोई मसला नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं मन्नान भाई, पैसे आप भिजवा दीजिएगा। अरे यूनुस जी भाई जान, मन्नान भाई के यहाँ की 6 मुहर्रम को 350 कप चाय लिख लो। जी अभी ठीक है, बंटवा देना मजलिस के बाद। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह भाई। हमको पानी ना मिले, तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे, चाहे मशकीज अच्छे दे, ये मगर हो ना सका, तेरे बाजू में जुदा, पे है तुझे नल भी सुनाया हाजी। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। वालेकुम सलाम मन्नान साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इलियास भाई नज़र नहीं आ रहे। इलियास भाई का अल्लाह की मर्ज़ी से कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमाए। खैर, कैसे आना हुआ आपका? वो मुहर्रम में आपसे चाय दी थी, बस उसी के पैसे लौटाने आया हूँ। नहीं मन्नान साहब नहीं, ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता। क्यों? मगर आप तो उनके छोटे भाई हैं और उनकी दुकान भी आप ही संभालते हैं, ये आपका हक है भाई। नहीं मन्नान साहब, आप मुझे मजबूर मत करें। मैं आपको क्या बताऊँ, इंतकाल के कुछ दिनों बाद इलियास भाईजान मेरे ख्वाब में आए थे। इलियास भाई, पहले बाबा और फिर आप मुझे छोड़कर चले गए, मैं बिल्कुल तना रह गया। उठो यूनुस, उठो। इलियास भाई, इलियास भाई, आप वापस आ गए। इलियास भाई, आप लौट आए। नहीं यूनुस, नहीं, मैं यहाँ आया हूँ ताकि सिर्फ एक पैगाम तुम तक पहुँचा सकूँ। पैगाम? कैसा पैगाम भाई? कुछ दिन बाद मन्नान भाई तुम्हें तबरुक के पैसे लौटाने आएंगे। हरगिज ना लेना यूनुस, हरगिज ना लेना। जी
लेकिन क्यों भाईजान, ऐसी क्या खास वजह है? उसी तबर्रुक के वसीले से मेरी बख्शिश हुई है यूनुस, उसी तबर्रुक के वसीले से। जानते हो जब कब्र में फरिश्तों ने मुझसे सवाल किया, खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कब्र में तशरीफ लाए, मेरी मदद फरमाई, क्या तुम्हें याद नहीं रसूल ने क्या फरमाया था? आका ने फरमाया था कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की सी है, जो इसमें सवार हो गया नजात पा गया। यकीनन बहुत बाबरकत है हुसैन की ज़ात, बहुत बाबरकत है हुसैन की ज़ात। तो बस इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। यूनुस भाई ताज्जुब है, इलियास भाई मेरे भी ख्वाब में आए थे। रज़ाए खुदाबंदी से इस दुनिया फानी से रहलत कर चुका हूँ मन्नान। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब अल्लाह सुबहानहु ताला की मर्जी है मेरे दोस्त, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। जो तबर्रुक तुमने हमसे लिया था हरगिज उसके पैसे न दे। पर क्यों? वो तो आपका हक है भाई। मन्नान भाई क्या बताऊं, कब्र की पहली रात नहायत वहशतनाक थी, लेकिन तबर्रुक हुसैन के वसीले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरी कब्र में तशरीफ लाए और मेरी मदद फरमाई। क्या आपने रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, इन्नल हुसैन मिसबाहुल खुदा व सफीनतुन नजा, बेशक हुसैन हिदायत के चराग है और नजात की कश्ती है। कसम खुदा की बहुत बाबरकत है हुसैन की जात, बहुत बाबरकत है हुसैन की जात, बहुत बाबरकत है हुसैन की जात। मैं फौरन ख्वाब से बेदार हुआ और मुझसे रहा नहीं गया और मैं बात की तह तक पहुँचने के लिए आपके पास आ गया। खैर मन्नान साहब, आप मेरी एक बात सुने। जी। आपसे हर साल आप जब भी मजलिस मुनक्किद करेंगे तबर्रुक हमारे यहाँ से ही जाएगा और उसकी कीमत आप हमें बिल्कुल भी नहीं देंगे। बेशक जिसके नाम पर बटने वाला तबर्रुक कितना बाबरकत है, ज़ात खुद कितनी बाबरकत होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप मुतासिर हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को पहुंचाना, शेयर करना ना भूलें। और आगे भी इसी तरीके की इस्लामिक वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फ़ियामानिल्लाह।